अध्यक्ष जी ने लोहानी साहब ने जो आपके सामने पॉइंट रखे हैं, मैं उन्हीं पॉइंटों को लिखे दो दो लाइन में उनको थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ, ताकि ये पता चले कि अपर क्लास के लिए जो सरकार पीछे से और अब भी उदासीनता अपना रही है, यह कॉन्फ्रेंस उन सब के प्रति सरकार से आगा सरकार को आगा करना चाहती है कि वो सब इनको विशेष तौर से ध्यान दें, अन्यथा हमने यह निर्णय लिया है कि जनता में जाकर के हम उन सब के अवेयरनेस को बढ़ाएंगे और ये कहेंगे उन्हीं को आप सहयोग दें जो हमारे इस एजेंडे के ऊपर अपना ध्यान देंगे और अपने पत्र के अंदर इसको जगह देंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं का समर्थन करेंगे, ऐसा हमने निर्णय किया है। चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, पिछड़ा पिछड़ा एक समान, इसी आधार को मान कर करके हम ये आगे चलेंगे। अब जब सबसे पहले मैं संवैधानिक दर्जे की बात करूं, संवैधानिक दर्जे के अंदर जो पिछली बार घटना घटी आपने देखा ही है, लेकिन इसमें आप केवल कांग्रेस की गलती नहीं मान सकते, हम ऐसा मानते हैं कि संवैधानिक दर्जे के पारित करने में अभी वर्तमान सरकार का की भी उदासीनता रही है, क्योंकि उसके अंदर अगर उपस्थिति होती तो संवैधानिक दर्जा मिलता। आपको पता है कि संवैधानिक दर्जे के बिना कितनी ही योजनाएं हैं, अनेकों योजनाएं हैं जो SC ST को मिली हुई है, वो मिल सकती है अगर संवैधानिक दर्जा हो। इतने बड़े नफरी के लोगों को संवैधानिक दर्जा नहीं है, ये हमारे लिए हीनता की बात है। इसलिए सरकार से हम पुरजोर अपील करते हैं कि आने वाले समय में ही सही, चलो लेकिन देर है, अगर इसमें और ज्यादा देर हुई तो उनका इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, हम संवैधानिक दर्जे की मांग करते हैं। नंबर दो, जिसके अंदर पिछड़ा वर्ग की उपवर्ग की सूची के अंदर तीन बार इसका समय बढ़ चुका है, तीसरी बार समय बढ़ रहा है और ये पूरे 9 महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई कि शांतिपूर्वक या संतुष्टि रूप में ये आयोग जो जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में बना हुआ है वो कोई काम कर रहा है, हमें नहीं लग रहा। कारण कि क्योंकि ये बहुत बड़ा संवेदनशील मसला है, सरकार मोटे तौर पर तीन भागों में इसको विभाजित करना चाह रही है। हमारा ये निवेदन है जो सबसे उन्नत वर्ग है वो तो लगभग ऐसा है, लेकिन मध्य वर्ग और उससे निम्न वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और महा पिछड़ा वर्ग, उनमें से 2 वर्गों को पहले जस्टिस रोहिणी अगर अपना एक प्रारूप देकर करके और जनता के सामने रख देती है तो उसके अंदर आने वाले जो ऑब्जेक्शन है वो सब पूरे हो सकते हैं, जबकि वो नहीं हो रहा है। हम मान करते हैं कि वो प्रारूप के साथ समाज के अंदर अपनी प्रतिक्रिया ले ले ताकि ठीक ढंग से वर्गीकरण हो और सबको न्याय मिले, ऐसा हम चाहते हैं। नंबर 3, सभी राज्यों के अंदर पिछड़ी जाति के जो प्रमाण पत्र हैं वो बनाए जाते हैं। सर, इसमें एक बड़ी बारीकी बात यह है कि गलत यह है कि जाति तो जन्म लेने से पहले पैदा हो जाती है, तो फिर इसके अंदर ऑब्जेक्शन किस बात का, क्यों इसमें तरह तरह के दो MLA से कराओ जी, दो उनसे कराओ, अलग अलग राज्यों में बहुत सारी बात है, हम इसका विरोध करते हैं। जाति प्रमाण पत्र एक बार बन जाए और वो जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ बच्चों को क्रीमी लेयर की बात के अंदर एडमिशन में परेशानी होती है, हम चाहते हैं कि जब क्रीमी लेयर को सरकार ने 3 साल के लिए अधिकृत किया हुआ है, अगर 3 साल तक कोई भी आमदनी लगातार बनी रहती है तो वो क्रीमी लेयर में आएगा या नहीं आएगा। अगर जैसे 8 लाख की है, 8 लाख में अगर 1 साल भी हम आमदनी को कम कर लेते हैं तो क्रीमी लेयर में नहीं आता, तो हम मांग करते हैं कि क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी 3 साल तक मान्य हो, ताकि बच्चों को समय में सभी पिछड़ी वर्ग के बच्चों को एडमिशन में कोई परेशानी नहीं हो। नहीं तो बहुत से जो महत्वपूर्ण IIT और दूसरे उनमें जो रजिस्ट्रेशन मिली है उसमें बच्चे उसमें एडमिशन से वंचित रह जाते हैं, तो हम मांग करते हैं कि इसमें 3 वर्ष का ही आधार माना जाए। और अगला है, ये कॉन्फ्रेंस भारत में भाईचारा, अमन और सर्वधर्म के सम्मान के लगातार कार्य करता रहेगा और चाहेंगे
सरकार से हम मांग करेंगे कि इसकी सरकार के अंदर भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अगले केंद्र और राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उन सब में भी अपने अपने हिसाब से वाइस चांसलरों ने नियमों को व्याख्यायित किया हुआ है। मैं अगर पिछला उदाहरण दूं, हिसार के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उत्कल के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनको व्याख्यायित किया है, जो कि गलत है। समान रूप से 27 और इसका चेकिंग एक बोर्ड बनाया जाए ताकि किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर पिछड़े वर्ग को, किसी छात्र को परेशानी ना हो। और ऐसे ही अनुदान आयोग ने जो अभी रोक के लिए आदेश दिया था 5 तारीख के लिए, 5 मार्च का, हालांकि आपने अखबार में पढ़ा हुआ, वो वापस ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह का बैक फुट के अंदर पीछे से ओबीसी की शक्तियों को, ओबीसी के हकों को दबा करके चलना, ये हम महसूस करते हैं कि सरकार हमारे प्रति उदासीन है। ऐसे सतर्क रहे, इस प्रकार के आदेश ना किया जाए, हम ऐसी मांग करते हैं। और क्रीमी लेयर मूल रूप से आर्थिक आधार का ही समर्थन करती है, जबकि संविधान के अंदर आर्थिक आधार नहीं है। ओबीसी के अंदर कोई भी पिछड़ा आधार है सबसे पहले सामाजिक, उसके बाद शैक्षणिक, आर्थिक का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल आर्थिक अवधारणा है, जो असंवैधानिक है। हम चाहते हैं कि इस क्रीमी लेयर की जो आधार है उसको समाप्त किया जाए पूरी तरह से। अभी मान्यवर ने कहा कि इसका जो क्रीमी लेयर की जो बात आई 3 साल के लिए बच्चों के सर्टिफिकेट के लिए, मैं उसको फिर पुनः कह रहा हूँ कि ताकि कोई परेशानी ना हो, हर साल की बजाय सर्टिफिकेट को, क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट 3 साल तक मान्य हो, क्योंकि जो जाति प्रमाण पत्र है वो एक बार बन जाने के बाद, चाहे वो क्रीमी लेयर में है या नहीं है, बन जाता है। लेकिन जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के समय में इसकी जरूरत पड़ती है और सरकार इसको 1 साल तक मान्य करते हैं, ये बहुत गलत है। जबकि नियम 3 वर्ष का है, तो इसको 3 वर्ष तक एक बार क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनने के बाद 3 वर्ष तक मान्य किया जाए, ताकि बच्चों को प्रवेश में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब यह कॉन्फ्रेंस मांग करती है कि जिस तरह से SC ST सभी स्तर पर, ग्राम पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट तक जितने विधान परिषद और निकाय है, उन सब के अंदर पिछड़े वर्ग की सीटों को भी आरक्षित किया जाए, उसकी भागीदारी की जाए, और यह कांग्रेस के माध्यम से मांग करते हैं। दूसरा, देश के अंदर अनेक राज्यों में मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 16 राज्यों के अंदर न्यायिक सेवा के अंदर आरक्षण है, लेकिन गजब है, दिल्ली राजधानी के अंदर वो आरक्षण नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि समस्त भारत के अंदर न्यायिक सेवा में ओबीसी का समान रूप से आरक्षण हो, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और SC ST Act के ऊपर जो टिप्पणियां आ रही हैं और जिस प्रकार से उसके अंदर फेरबदल किया गया है, हम इसका विरोध करते हैं और पुरानी ही एक्ट का इसका समर्थन करते हैं, ताकि एट्रोसिटी एक्ट में, मैं एक उदाहरण दे दूं, अभी जो 2 तारीख को प्रदर्शन हुआ, उसमें कितने ही अलग अलग स्टेटों के अंदर बच्चों को इतनी बुरी तरह से पीटा गया, क्या वह एट्रोसिटी एक्ट नहीं है? क्या अभी दूसरे लोगों ने जो प्रदर्शन किए हैं, उन प्रदर्शनों में इस प्रकार की जो दंड दिया जा रहा, शारीरिक यातना जो दी गई है, इस मानसिकता की, अच्छा तुम भी मरोगे, तुम भी बोलोगे, क्या तुम्हारी होता, इस भावना को लेकर के जो उनको पीटा गया है वो अच्छा नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं, उन सब के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाए। अब अंत में मैं महत्वपूर्ण एक बात किन्नर की करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को मानवीय आधार पर उनका सम्मान करते हुए ओबीसी में दिया, हम उसका समर्थन करते हैं कि किन्नरों का सम्मान किया, लेकिन
इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस निर्णय के ऊपर अपने आप पुनर्विचार के लिए कहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि किन्नरों को जो जिस वर्ग में पैदा हुआ है उसी में उसका रिजर्वेशन मिलना चाहिए, न कि केवल ओबीसी के अंदर। यह असंवैधानिक है और मांग करते हैं कि वो उसी वर्ग में दिया जाए और सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पटिशन फाइल करे और उसकी पैरवी करे। और इस तरह से मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे जितने भी ओबीसी के लिए और किसी इसके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं कार्य होंगे, सभी मिलकर के यह हम सब एक साथ एक स्वर में कार्य करते रहेंगे उनके कल्याण के लिए। धन्यवाद।